इंसान जब भी किसी सुनसान पुरानी इमारत या खंडहर को देखता है तो उसे एक अजीब सा एहसास तो जरूर होता है। हम कहीं भी कोई भी सुनसान इमारत देखते हैं तो हमारे दिमाग में उस इमारत में रहने वाले लोगों के बारे में जानने की जिज्ञासा जाग उठती है। कभी कभी ऐसी जगहों पर लोग किसी आत्मा, रूह या भूतों को देखने का दावा भी करते हैं। जो लोग इन पर विश्वास करते हैं वो तो इसे मान लेते हैं, लेकिन जो नहीं करते उनके लिए तो वो महज एक पुरानी इमारत ही है। लेकिन ये सच है कि दुनिया में हर वर्तमान का भूतकाल होता है और सबका कुछ ना कुछ इतिहास जरूर होता है। और जहाँ तक बात रही भूत, प्रेत या आत्माओं की, तो वो भी हम इंसानों की ही तरह इस वायुमंडल में रहते हैं, बस अलग होता है तो उनके रहने का तरीका। आज के इस वीडियो में हम लंदन के एक टावर के बारे में आपको बताएंगे। एक ऐसी इमारत जो बनी तो जीत की निशानी के तौर पर थी, लेकिन बाद में कैसे वो मौत का महल बन गई। लंदन शहर के बीचों बीच एक पुरानी इमारत खड़ी है जिसे टावर ऑफ लंदन के नाम से जाना जाता है। लगभग 1000 वर्ष पुरानी इस इमारत का अपना एक अलग इतिहास और अलग कहानी है, जो कि इसमें रहने वालों की मौत की कहानी को भी बयां करती है। इस इमारत में मौत, फांसी, हत्या और अत्याचारों की ऐसी ऐसी वारदातें हुई हैं जो आज तक भी महसूस करी जाती हैं। इस इमारत की दीवारों में आज भी मौत की उन चीखों को बड़ी आसानी से महसूस किया जा सकता है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन के बीचों बीच थेम्स नदी के किनारे ये भव्य इमारत बनी है। इस इमारत का निर्माण साल 1078 में किंग विलियम्स ने कराया था। इस इमारत को बनवाने में फ्रांस से बेशकीमती संगमरमर और पत्थरों को मंगवाया गया था। इस इमारत का परिसर बहुत बड़ा है और इस परिसर में और भी कई इमारतें हैं। एक शानदार समय था जब ये ब्रिटेन का शाही महल था। आपको बता दें कि अपने समय में ये इमारत राजा से बगावत करने वाले अन्य छोटे राजाओं और मंत्रियों की जेल भी थी, और ये महल अपने समय में अनेक मृत्युदंड तथा हत्याओं का साक्षी भी रहा है। इस इमारत में यहाँ के राज परिवार के लोगों के खून के छींटे भी छुपे हुए हैं, जो कभी कभी इंसानी दुनिया में लोगों को कुछ महसूस करवा भी देते हैं और उन्हें लोग भूत, प्रेत और आत्माओं का नाम दे देते हैं। इस इमारत के एक कोने का इस्तेमाल बागियों का सर कलम करने के लिए भी किया जाता था। किंग हेनरी 8, जिनका जन्म 28 जून सन 1491 में हुआ था, एक ऐसा पराक्रमी और कठोर शासक था जो अपने जन्म से लेकर अपनी मौत तक लंदन का शासक बना रहा। टावर ऑफ लंदन में इस शासक के कारनामे बहुत अजीब थे। किंग हेनरी अपने जन्म के बाद समय अनुसार बड़ा होता गया। वो बहुत ही तेजस्वी और पराक्रमी था। वो लॉर्ड ऑफ आयरलैंड तथा फ्रांस के साम्राज्य का भी दावेदार था। किंग हेनरी ने 6 शादियां करी थी। हेनरी एक बहुत कठोर किस्म का राजा भी था। उसकी कठोरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, उसने अपनी दूसरी पत्नी को खुद ही मौत की सजा सुना दी थी। हेनरी को अपने साम्राज्य बढ़ाने के लिए एक उत्तराधिकारी यानी बेटे की जरूरत थी। उस समय एनी बोलिन गर्भवती भी थी। एनी को हर समय ये डर सताता रहता था कहीं पहले की तरह इस बच्चे के जन्म लेने में भी कोई अनहोनी ना हो जाए। लेकिन वही हुआ जिसका डर एनी को था। एक दिन सुबह घूमते समय एनी का गर्भपात हो गया, जो कि राजा हेनरी को नागवार गुजरा और उसने एनी को मौत की सजा सुना दी। इस घटना के बाद एनी को टावर ऑफ लंदन में एक खास जगह पर ले जाया गया और एक बड़े फरसे से 1 मिनट में उसका सर कलम कर दिया गया। एनी की मौत के बाद हेनरी ने अपनी एक और पत्नी का सिर उसी जगह पर कलम करवाया था। ऐसा माना जाता है कि आज भी एनी का भूत टावर ऑफ लंदन में भटकता रहता है। एक बार की बात है, टावर ऑफ लंदन के एक चौकीदार ने कुछ ऐसा मंजर देखा था। साल 1957 में सर्दियों की एक रात में चौकीदार टावर के परिसर में रात के समय रखवाली कर रहा था। तभी उसने ग्रीन टावर के पास किसी सफेद साये को देखा, जो कि देखने में एकदम रानी की ही तरह लग रहा था। लेकिन उसका सिर उसके धड़ पर नहीं था, बल्कि वो अपने सिर को अपने दाएं हाथ में पकड़े हुए थी। चौंकाने वाली बात तो यह थी कि वो तारीख भी वही 12 फरवरी थी जिस दिन
सन 1554 में उसका सर कलम कर दिया गया था। इसके अलावा कई बार अलग अलग लोगों ने महारानी एनी बोलिन और लेडी जेन ग्रे को अक्सर लंदन के उस भव्य टावर में देखा था। किंग हेनरी के इस खौफनाक कारनामे ने जहां किंग को लोगों की जिंदगी से दूर कर दिया, वहीं इस इमारत को एक ना बुलाने वाला इतिहास भी दे दिया। एनी बोलिन और जेन ग्रे के अलावा अन्य कई लोगों की आत्माएं भी इस टावर में बेखौफ घूमती रहती हैं। सन 1541 में एक शाही कर्मचारी को मौत की सजा सुनाई गई। उस पर आरोप था कि उसने बही खातों से छेड़छाड़ करी थी। इसके लिए उसे कुल्हाड़ियों से काटकर मौत के घाट उतार दिया गया। ऐसा माना जाता है कि वो निर्दोष था। उस कर्मचारी को आज भी इस टावर के रिकॉर्ड रूम में कई बार देखा जा चुका है। उसका शरीर शत विक्षत दिखाई देता है और उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी भी होती है। इस टावर में बहुत सारी अजीबोगरीब घटनाएं और चीजें आप देख सकते हैं। यहाँ जानवरों को बांध कर रखा जाता था और महज मनोरंजन के लिए उन्हें पाला जाता था। ऐसा बताया जाता है कि टावर में एक भालू का भी भूत देखने को मिलता है। सन 1251 में हेनरी III को नॉर्वे के राजा ने उपहार के रूप में एक भालू दिया था। उस समय अक्सर इस भालू को टेम्स नदी की मछलियां खिलाई जाती थी। कुछ सालों के बाद उसे महल में ही पीट पीट कर मार डाला गया। आज भी इस टावर में कभी कभी इस भालू की छाया को घूमते हुए अक्सर देखा जाता है। यह सुनकर आपको अजीब लगेगा कि इतनी बड़ी इमारत में 8 कौवों को इसका संरक्षण माना जाता है, लेकिन ये सत्य है। इस टावर की सुरक्षा यहाँ 8 कौवों के कंधों पर है। ऐसा माना जाता है कि जिस दिन ये कौवे इस टावर को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे, उस दिन ये टावर अपने आप ही ध्वस्त होकर गिर जाएगा। इन कौवों के स्वास्थ्य और सुरक्षा का भी खास ख्याल रखा जाता है। ये कौवे बहुत सालों से यहाँ रहते हैं। इनमें से एक की मौत 44 साल की उम्र में हुई थी। ये इमारत हजारों कैदियों की सजा और उनकी मौत की गवाह है। इस इमारत में राजघराने से लेकर संतों तक को कैदी बनाया गया था। इमारत में कैदियों को भयानक यातनाएं दी जाती थी। कभी कभी कैदियों को जिंदा जला दिया जाता था और उनके शरीर के टुकड़ों को काट काट कर फेंक दिया जाता था। लंदन में स्थित इस इमारत में मरने वाले लोगों की आत्माएं भरी पड़ी हैं। आप इन्हें कभी भी वहां पर देख सकते हैं। इस इमारत को अब दुनिया भर के लोगों को दिखाने के लिए एक टूरिस्ट प्लेस के तौर पर शुरू किया गया है। आप टिकट लेकर इस इमारत में इन आत्माओं को महसूस कर सकते हैं और एक रोमांचक दुनिया की यात्रा कर सकते हैं। ये इमारत आपको उस दौर में ले जाने के लिए बिल्कुल सही सक्षम है। साथियों, तो क्या आप में से किसी ने कभी द टावर ऑफ लंदन को विजिट किया है? अगर किया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। आपसे मिलते हैं ऐसी ही किसी रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। आप सभी का दिल से धन्यवाद।